नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे आप सभी स्टूडेंट, नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी एग्जाम एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और आपके अदर एग्जाम के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो रीजनिंग में सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, और जो चैप्टर आपका आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के जो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए, सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए। आप सभी को गुड इवनिंग। तैयारी कैसी चल रही है एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताए, सारे बच्चे जल्दी से एक बार बताइए तैयारी कैसी चल रही है। चलिए बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। यह क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वी होल्ड BEHOLD को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है, और इंडिड INDEED को DEEIN के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में कोर्स CORSE को कैसे लिखा जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और इसमें आपको लॉजिक भी बताना है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका लगा रहे हैं। जल्दी से बताएं सारे स्टूडेंट कैसे ये सॉल्व होगा। बस ध्यान से आपको देखना क्या है ना, कि यहां पे BEHOLD है, इसको BDEHLO लिखा है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जो बिहोल्ड में अक्षर है वही यहां पे अक्षर आपको दिख रहा है। बस क्या किया है, स्थान का परिवर्तन किया है। तो दिमाग थोड़ा सा लगाइए और बताइए कैसे स्थान का परिवर्तन किया है। चलिए बताइए सारे बच्चे बताएं। 13 की डेट डली है क्लास में, सब भागे बोले कल होगी क्लास। अच्छा, शेड्यूल 13 के डेट में था, शायद गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। कहां पे 13 आपको दिख गया, चलिए कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, लॉजिक बताइए, वैसे हम एक बार चेक करते हैं, देख लेते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बताएं सारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सबका आंसर क्या है ना, सही आना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए सारे बच्चे बताएं, एक बार बताएं क्वेश्चन का आंसर दे, एक साथ कमेंट करिए आप लोग। चलिए आ रहे हैं आंसर, बहुत अच्छे। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए कुछ नहीं करना है, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। चलिए फटाफट देखिएगा, समझिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं आज, ठीक है। देखिए BEHOLD को क्या लिखा है, BDEHLO। थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये अल्फाबेट के क्रम में लिखा गया है। सबसे पहले देखिए इसमें से बी देखा जाए तो बी आता है, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी, सी नहीं है लेकिन इसमें डी है, तो फिर लिख दिया डी, डी के बाद ई, एफ देखिए इसमें नहीं है, देखिए ई है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, तो फिर लिखा एच, एच के बाद से एच, आई जे के नहीं है, L देखिएगा L दिख रहा है, L M N O, समझ में आ रहा है कैसे लिखा है, अल्फाबेट के क्रम में, कैसे लिखा हुआ है अल्फाबेट के क्रम में, कुछ बच्चे बता भी रहे हैं। हाँ बस देखिए, इंडीड में देखा जाए INDEED लिखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ABCD अगर पढ़ेंगे तो D आएगा, दो D है तो दोनों D को पहले लिख लेंगे, D के बाद क्या आएगा, E आएगा, दोनों E है तो दोनों E को लिख लीजिए, उसके बाद से EFGH नहीं है, I दिख रहा है आपको तो I को I लिख लीजिए पहले, ठीक है, उसके बाद N लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे N, तो N, ये समझ रहे हैं अल्फाबेट के क्रम में, मतलब ABCD अगर आप लिख रहे हैं, ABCD अगर आपको पता है तो बस जैसे आपको क्या करना है वैसे ही ABCD के क्रम में रख देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बताइए कोर्स में, कोर्स में कैसे करेंगे, देखिए A तो है नहीं, B नहीं है, C है, C है तो C लिख दीजिए, C के बाद D नहीं है, C D E
ई दिख रहा है तो ई लिखेंगे, उसके बाद से एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ दिख रहा है ओ, पी क्यू आर, आर उसके बाद एस, तो आर एस टी यू, यू दिख रहा है यू। तो ऐसे ही आपको एबीसीडी पढ़ के आंसर बस देना है, अल्फाबेट के क्रम में इसे बोलते हैं सजाना। तो सी ई ओ आर देखिएगा, सी ई ओ आर एस यू, सी ई ओ आर, सी ई ओ आर एस यू, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बताए तो आप लोगों का क्या रहा है? हाँ, क्रम में लिखना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अल्फाबेट के क्रम में लिखना है, एबीसीडी के क्रम में लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसमें आपको कैसे पता चला कि अल्फाबेट के क्रम में, जो अक्षर इसमें भी ओल्ड में वही अक्षर इसमें, जो इंडीड में वही अक्षर इसमें, बस क्रम का परिवर्तन किया है। तो क्रम देखे हम लोग कि एबीसीडी के क्रम में लिख रहा है, बस लिख देना है और कुछ करना ही नहीं है, समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। लिख रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई टी आर वाई, ट्राई को 65 और गैप जी ए पी, गैप को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, मोज एम ओ जे को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन है? टी आर वाई, ट्राई को लिखा है 65 लिखा हुआ है, उसके बाद से गैप है जी ए पी, गैप को क्या लिखा है 26, उसके बाद से है मोज एम ओ जे, एम ओ जे को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो आंसर दे रहे हैं 15 सेकंड के अंदर, बताइए। चलिए बताइए, सारे बच्चे अच्छे से पढ़े, मन लगा के तैयारी करिए, कोशिश करिए, आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, आप सभी को पता है, इसलिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आपको उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम की सिलेबस निकालिए, सामने रखिए, हर चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आंसर दीजिए। चलिए आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, 38 आ रहा है, 40 आ रहा है, कुछ भी आंसर आ जा रहे हैं, अच्छा चारों ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। देखिए, जब कभी भी अक्षर को नंबर में लिखे तो आप नंबरिंग कर लीजिए, टी कितने नंबर पे आता है देखिएगा, समझिएगा सारे बच्चे, ये टी कितने नंबर पे आता है 20 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, वाई कितने पे आता है 25 पे, तो हम इन संख्याओं को क्या करें कि 65 हो जाए, चलिए जोड़ेंगे, जोड़ी सकते हैं 20 25 45 और 18, ये हो जाएगा 63, कितना होगा देखिएगा, आप ऐसे देखिएगा 20 18 38 38 2 40 63 हो जाएगा, 63 हो रहा है, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं तो 63 हो रहा है, लेकिन यहां 65 दिया हुआ है, मतलब प्लस 2 किया हुआ है, अलग से ये दो जोड़ा हुआ है। अच्छा, नीचे वाले में अगर देखा जाए तो यहां पे देखिएगा जी कितने नंबर पे, 7 पे आता है, ए 1 पे आता है, और पी आता है 16 पे, तो अगर हम इनको जोड़ ले, 7 1 8 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, 8 और 16 मिलके 24, 24 की जगह ये 26 लिखा हुआ है, मतलब प्लस 2 करके लिखा हुआ है, क्या कर रहा है, प्लेस वैल्यू जो इसकी स्थानीय मान है, जो नंबरिंग करने पे आ रहा है, उनको जोड़ के प्लस 2 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए एम ओ जे, देखिएगा एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, और जे आता है 10 पे, तो देखिए 13 15 क्या हो जाएगा 28 10 38, अगर हम इसको जोड़े तो कितना होगा 38 होगा, तो आंसर इसका क्या होगा 38 नहीं, प्लस 2 कर देंगे, 38 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 40, क्या होगा आंसर 40 होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन से आप लोग एक और दिमाग में बात रखिएगा, कभी कभी माइनस भी कर देता है कुछ संख्या, जैसे इसमें प्लस किया, कभी कभी माइनस भी कर देता है, माइनस 2 कर देगा, माइनस 4 कर देगा, माइनस 6 कर देगा, या प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 कुछ भी कर सकता है। जब कब यह पता चलेगा, जब आप दोनों की प्लस वैल्यू लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्लस 8 कर रहा है या प्लस 6 कर रहा है या प्लस 2 कर रहा है या माइनस 2 कर रहा है या माइनस 4 कर रहा है या माइनस 3, जो भी करेगा आपको दिखने लगेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख के आप नंबरिंग करेंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया है, जल्दी से बताएं, और जितने बच्चों का आंसर 40 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, एकदम सही है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे, फिर आगे चले।
और क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रही है, तो आज की क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ओवट OVERT को LEVIZ लिखा जाता है और मौकिन लिखा है MOKIN को NLPRM लिखा जाता है, उसी भाषा में ILICO को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार सारे बच्चे देखे क्या लिखा है, OVERT को लिखा है ये LE, देखिएगा कैसे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए VIG लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद से है MOKIN, इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है NLPRM। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, और बोल रहा है कि ILICO को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहे, बताइए तो दिमाग लगाइए सारे बच्चे इस क्वेश्चन का, और बताइए कैसे लिखा है, सारे बच्चे बताएं, दिमाग आप लोग लगाए थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC MTS 2022 एग्जाम में पूछा गया है, बताइए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ कमेंट करें सभी स्टूडेंट। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुरंत पकड़ लिए कि ये सर अपोजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है, अगर ए से जेड तक लिखा जाए तो ए पहला होता है इधर से, जेड उधर से आखिरी होता है, मतलब उधर से पहला होता है, ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, समझ रहे हैं, ई का वी, ऐसे ना, ऐसे ही। देखिए ओ का अपोजिट क्या होगा, देखिएगा सारे बच्चे देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे, ओ का होता है एल, वी का होता है ई, ठीक है, उसके बाद से ई का होता है वी, वी लिख दिया, उसके बाद से आर का होता है आई, टी का होता है जी, क्या लिख रहा है, अपोजिट, क्या लिख रहा है, अपोजिट लिख रहा है, यह अपोजिट वाले क्वेश्चन है। फिर देखिएगा एम का विपरीत होता है एन, ओ का विपरीत होता है एल, के का विपरीत होता है पी, और I का विपरीत होता है R, N का विपरीत होता है M, यानी कि अपोजिट, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप लोग आंसर देंगे, चलिए यहां पे देखेंगे I का विपरीत क्या होगा, I का विपरीत होगा R, L का विपरीत क्या होगा, L का विपरीत होगा O, फिर I है, I का विपरीत क्या होगा, I का विपरीत R, ठीक है, फिर C है, C का विपरीत क्या होगा, C का विपरीत होगा X, O का विपरीत क्या होगा, O का विपरीत होगा L, ठीक है। तो देखिएगा ROR XL ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, A दिख रहा है, आप लोगों का क्या आ रहा है बताए तो, सभी बच्चे एक साथ बताए, सारे स्टूडेंट क्या आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर A सबका आंसर आ रहा है। देखिए कुछ लोगों को नहीं पता है अपोजिट कैसे करते, देखिए नहीं पता है तो याद करना होगा, और वैसे ही हम आप लोगों को एक तरीका बता देते हैं, तरीका यह बताते हैं, टोटल क्या है, टोटल 26 अक्षर होते हैं ना ए से लेकर जेड तक, तो 13 पहले लिखिए, 13 कहां तक होगा, एम तक होगा, देखिए लिखेंगे आप ABCDE, देखिएगा EFGHIJKLM 13 हो गया, फिर 13 इसके नीचे लिख दीजिए, नीचे कहने का मतलब M तक लिख दिया ना, M के बाद NOP एक एक अक्षर के नीचे लिखिएगा, QRSTUVWXYZ, ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी विपरीत है, A का जेड, B का वाई, C का एक्स, D का डब्ल्यू, E का भी, F का U, U का F, उल्टा होता है एक दूसरे के ये, ठीक है। हाँ ये देखिएगा, फिर उसके बाद G का T या T का G, H का S, S का H, ठीक है, ये विपरीत हो गया, फिर उसके बाद से I का R या R का I, J का Q, K का P, L का O, M का N, ठीक है, समझ में आ गया, सभी को क्लियर है। हाँ तो ऐसे आप अपोजिट लिख सकते हैं, हाँ लेकिन आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हाँ कैसे मालूम करेंगे क्या अपोजिट है, तो वही तो बता रहे हैं कैसे मालूम करेंगे। चलिए
समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है, यदि जेपीजी बराबर 19 और पीएनजी बराबर 23 तो टीआईएफ बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है जेपीजी फोटो का फॉर्मेट वाले होता है ना, उस टाइप का कुछ। चलिए, 19 लिखा है, पीएनजी है, क्या है, पीएनजी को क्या लिखा है, 23 लिखा है, टीआईएफ का पूछ रहा है, टीआईएफ ठीक है, टीआईएफ का क्या होगा ये पूछ रहे, बताए आप लोग, बताए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 का पूछा गया है। चलिए आंसर दीजिए सर जी, कॉलेज में प्रोजेक्ट जमा करना है तो कैसे पढ़ें, क्या करें। देखिए, कॉलेज में प्रोजेक्ट जमा करना है तो उसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम थोड़ा सा इस समय आपका ज्यादा लगेगा, ठीक है, दोनों जगह देना पड़ेगा, दोनों जरूरी है, स्कूल वाला तो और जरूरी है। पता चला कि आप कहीं कॉलेज में ही फेल हो गए, ग्रेजुएशन ही आपका नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे परीक्षा देंगे सीजीएल का, ठीक है। तो जरूरी तो देखा जाए तो ये भी है, वो भी है, लेकिन वो कहीं ज्यादा जरूरी है तो उस पर भी टाइम आपको देके प्रोजेक्ट अपना सही कर लेना है और उसके बाद से आपको इसमें भी टाइम देना है, ठीक है। चलिए, बताएं कैसे आंसर आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, आसान है, बहुत ही आसान है, समझा दे, देखिए कोशिश करेंगे तब तो समझ में आएगा। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। अभी हम आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, जैसे अक्षर है ना और अंक में लिखा हुआ है तो क्या करना है, नंबरिंग कर लीजिए, इसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, यही तो बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए देखिए, जे कितने नंबर पे आता है, जे आता है 10 पे, पी कितने पे आता है 16 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, और इसको अब आप ये बताइए 10 16 7 को क्या करें कि 19 आ जाए, ठीक है, जोड़ के घटा के कुछ तो किया होगा। देखिए यहां पे फिर से एक बार और देखिए, नीचे वाले को देखिए, P आएगा आपका 16 पे, N आएगा 14 पे और G आएगा 7 पे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिएगा, कोशिश करिएगा, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। 16 और 10, 10 16 26, 26 और 7, 26 7 हो जाएगा 33, लिखा क्या है, लिखा क्या है 19 लिखा है, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा एक बार, लिखा क्या है 19 लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना है। अच्छा, तो इसमें घटा कितना दिया है, इसमें घटा कितना दिया है 14, ठीक है, 14 माइनस हुआ है। चलिए 16 14 30 30 7 37, ये जोड़ने पे क्या हो रहा है 37, लिखा क्या है 33, तो इसमें घटाया कितना है, इसमें घटाया कितना है 14 माइनस कर दिया है। अच्छा, टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पे, ठीक है। अच्छा, 14 माइनस कर रहे हैं, एक बार देखिएगा, अभी हम क्लियर करेंगे, एक और तरीका आपको बताएंगे, 9 और एफ आता है 6 पे, ठीक है, 20 9 29 6 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 में क्या करेंगे, अगर हम माइनस कर दे 14, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, सब में 14 माइनस हुआ ना, तो इसमें भी आप क्या करेंगे 14 माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 21 हो जाएगा, क्या होगा 21, लेकिन 21 किसी ऑप्शन में नहीं है, 21 किसी ऑप्शन में नहीं है, अभी हम आपको समझा रहे हैं, 21 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है एक बार दिमाग लगाइए। अभी देखिए, अभी देखिए एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, कुछ दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप जोड़ रहे थे 10 16 26 क्या 26 और 26 में अगर 7 माइनस कर दे, देखिएगा थोड़ा सा सारे बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे तो नहीं हुआ ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ ले और इसको माइनस कर दे, 10 और 16 26, 26 में से 7 घटा ले, यानी आखिरी वाला क्या करना है माइनस कर लेना है, तो 26 में से 7 जा 19 होगा, ठीक है। चलिए यहां पे फिर से एक बार देखिएगा, इसको इसको आप लोग देखेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे 16 और 14 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में से 7 चला जाए तो क्या हो जाएगा 23, 23 दिया हुआ है,
ये 19 जैसे दिया हुआ है, ऐसे ही 23 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यहां पे आप लोग देखिएगा एक बार, और 20 और 9 जोड़ दीजिए 29, 29 में से 6 घटा देंगे, 29 में से 6 जा 23, क्या होगा 23 होगा। ध्यान दीजिएगा कितना होगा 23 होगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 23 होगा। क्या घटाएंगे, आखिरी वाले जो अक्षर है ना, पहला दूसरा अक्षर को जोड़ के तीसरा अक्षर की जो प्लेस वैल्यू है ना उसको माइनस कर देना है। आंसर आ रहा है, बताइए आ रहा है कि नहीं, सारे बच्चे एक साथ पहले बताए समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे, कमेंट करके पहले आप लोग बताइए। सर दो को जोड़ देना है तीसरे को घटा देना है, बहुत अच्छे, समझ में नहीं आ गया है। अच्छा बताएं, क्लियर है तरीका, पता है लॉजिक, क्लियर है कैसे सॉल्व हुआ है। हाँ, पहले दो को जोड़ना है आखिरी वाले को घटाना है, दो को जोड़ना है आखिरी वाले को घटाना है। 20 9 29, 29 में से 6 घटा दिए 23, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। और यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2022 में, ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सारे बच्चे यस सर कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ गया है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप सभी बच्चे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप सभी को देना है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में यहां पे है जी आर ई ए टी आर को क्या लिखा है, 2 4 6 2 2 4 6, ठीक है, हाँ, जी आर ई ए टी आर को लिखा है ओ एक्स एम आई बी जेड लिखा जाता है, उसके बाद से है पी ओ आई एन टी ए को लिखा है एक्स डब्ल्यू क्यू वी बी आई लिखा जाता है, उसी भाषा में यहां पे लिखा है एफ ओ आर टी ए पी को कैसे लिखा जाएगा, बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए लिख भी देते हैं यहां पे, देखिए क्या लिखा है, जी आर E A T R को लिखा क्या है, O X O X M B सॉरी M I B Z M I B Z, ठीक है, उसके बाद से है, उसके बाद से है, हाँ कोशिश करिए आप लोग समझने का कि ये कैसे लिखा है, P O I N T A, इसको लिखा है X W Q V B I, उसके बाद से पूछ रहे हैं F O F O R F O R T A P को क्या लिखा जाएगा, बताइए, लॉजिक भी बताना है, विद लॉजिक आपको बताना है क्या लिखा जाएगा, कैसे लिख रहा है ये आपको बताना है, A B C D नहीं, एबीसीडी आप लोग बोल रहे हैं, एबीसीडी आंसर फट से नहीं दे देना है, कुछ भी आपको बताना है लिखा कैसे है, क्या कर रहा है, लॉजिक भी आपको बताना है, नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे। सर रोज होगी ना क्लास, हाँ डेली आपकी ये क्लास 8 बजे से चलेगी, ठीक है, 8 बजे से तो चल रहा है ना, 8 बजे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए सारे बच्चे, ठीक है, चलिए। समझ में नहीं आ रहा है, समझा दे, देखिए कोशिश करिए एक बार, समझने की कोशिश करेंगे तब तो समझ में आएगा। हाँ कुछ बच्चे समझ गए हैं कि सर प्लस हो रहा है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, देखिए नहीं समझ पा रहे, कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, नंबरिंग लिखिए, जी कितने पे आता है 7 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, ई कितने पे आता है 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, एक्स आता है 24 पे, ठीक है, एम आता है एम एन 13 पे, ठीक है, आई आता है 9 पे, ठीक है, बी आता है 2 पे, और जेड आता है 26 पे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, ध्यान दीजिएगा यहां पे, देखिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, यहां पे दिमाग लगाइए कि हो क्या रहा है, यहां पे कुछ तो कहीं गलत हो रहा है, ओ एक्स दो सेकेंड, दो
सेकंड देख रहे हैं, 7, 8 जुड़ा है, लेकिन 18 में यहां पे देखिएगा, यहां पे तो 8 जुड़ा है, यहां पे क्या जुड़ गया, 6 ही जुड़ रहा है, 18, 2, 20, 4, 24, 6 जुड़ रहा है, लेकिन यहां देखिए तो 5 से 13 हुआ, 8 जुड़ा, 1 से 8 जुड़ा, 9 हुआ, 20 से 8 जुड़ा, 28 और 26, 2, 28, 2 हो रहा है, ठीक है, यहां पे 18, 8 कितना होगा, 26 हो रहा है। अच्छा, एक अक्षर कोई यहां पे ना गलत है, रुक जाइए एक बार हम देख लेते हैं, यहां पे अक्षर हो सकता है एक गलत है, इसको एक बार हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हो गया हो या टाइप में गलत हो गया हो। ओ जेड एक्स नहीं है, ओ जेड है, ये ध्यान दीजिएगा, ओजेड है, इसी वजह से गलत हो रहा है, ये जेड है, ये क्या है, ये जेड होगा, ये जेड इसमें दिया गया है, इसलिए ये 26 हो रहा है, ये 26 सब में क्या हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, देखिएगा सारे बच्चे, सब में क्या हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है, सब में क्या हुआ है, प्लस, ये ओजेड है, ओ एक्स मत लिखिएगा, ओजेड है, मिसप्रिंट है, थोड़ा सा टाइप में गलत हुआ है। चलिए अगर इसे देखा जाए तो ये 16 नंबर पे, ओ 15 पे, आई आपका 9 पे, एन 14 पे, टी 20 पे, और ये क्या हो जाएगा, ए 1 पे, और ये आपका 24 पे, ये आपका 23 पे, और क्यू आपका ध्यान दीजिएगा 17 पे, भी आपका आपका आ जाएगा 22 पे, ये कितने नंबर पे आएगा, 22, 22 पे, बी आपका 2 पे, और आई आपका 9 पे, ठीक है। चलिए एक बार देखा जाए तो 16, 8, 24, ठीक है, ये 15, 15, 8, 23, ठीक है, 9, 8, 17, 14 और 8, 22 हो जाएगा, बहुत अच्छा, 20, 8, 28, 28 मतलब 26, 2, 28, 2 लिखा है, ठीक है, 1, 8, 9, ठीक है, समझ में आ रहा है, सब में प्लस 8 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है। चलिए F आपका कितने पे आता है, F आता है 6 पे, O 15 पे, और R 18 पे, T 20 पे, A 1 पे, P 16 पे, सब में क्या करिए, 8 जोड़ दीजिए, यहीं पे नीचे जोड़ रहे हैं, 6, 8 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15, 8 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 18 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 20, 8 क्या हो जाएगा, 28, 26, 2, 28 यानी 2 हो जाएगा, 1, 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16, 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जब इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू तो हो गया ना, अब इसको देखिए 14 पे क्या आता है, 14 पे आता है N, 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है W, 26 पे क्या आता है, Z, 2 पे आता है B, 9 पे आता है I, और 24 पे आता है X, ठीक है। देखिए NWXB, अच्छा NW, 2 सेकंड, कहीं पे गलत हो रहा है, 18, 8, NWZ है, NWZ BIX, नहीं सही है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सब में ये हुआ क्या है, लॉजिक क्लियर है, सब में हुआ क्या है, प्लस 8 हुआ है, ये सब में हुआ है प्लस 8, बस, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC MTS 2022 में पूछा गया है, हाँ प्लस 8 हुआ है, कोई बात नहीं, बस यहां पे एक बार आप लोग सही कर लीजिएगा, यहां पे X नहीं है, यहां पे जेड है, ठीक है, जेड है, ठीक है, तब जाके 26 होगा, हाँ प्लस 8, बी 100% सही है, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्लियर है, समझ में आ गया है, तो एक बार यस सर कमेंट करिए, फिर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताए तो, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। चलिए एक बात और हम आप लोगों को बता दें, सारे बच्चों को, सारे सभी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो, ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जितने भी स्टूडेंट हैं डाउनलोड जरूर कर लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में, आप चाहे तो प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाकर टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। ऐप पे आपके आगामी एग्जाम एसएससी सीजीएल के लिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी मेकर ऐप पे हम लोग चला रहे हैं संकल्प बैच, 100% सिलेक्शन के लिए यह बैच चल रहा है। इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेज एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही, आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना वीक है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस बैच से जुड़ी है, पढ़ी है और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। बैच की फी है मात्र 500 रुपए और आप लोगों के लिए एक कूपन कोड भी दिया गया है CGL
40, ये कूपन कोड आप लोग लगाएंगे तो इसपे क्या होगा 40% का डिस्काउंट हो जाएगा, ये 500 की जगह 300 पड़ेगा। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है, यानी 12 अप्रैल तक, ठीक है। हाँ, इसमें जो भी क्लासेज है संपूर्ण क्लास एकदम बेसिक से चल रही है, बेसिक से कहने का मतलब है जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारी चीजों को सिखाया जा रहा है कि एग्जाम में कैसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है, किन प्रश्नों पे आप क्या क्या तरीका लगा सकते हैं। और बता दे, कोई आपको बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का देखते ही आंसर दीजिए क्योंकि इसमें सॉल्व करने का कुछ तरीका ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर है, पढ़ना है, आंसर देना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2022 में, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी आते हैं, सीएचएसएल में भी आते हैं, अदर एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो बताइए तो आंसर क्या होगा, एक बार बताए इस क्वेश्चन का। यदि सफेद को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैगनी कहा जाता है और बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा, बताए। लाल, पीला, हरा, नीला, नहीं लाल सॉरी पीला, बैगनी, लाल और हरा, चार ऑप्शन है, इनमें से बता दीजिए इसका आंसर। सिंपल है, आसान है, आंसर आ भी रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छे, हाँ सही आंसर आना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं, ये आसान है, इससे आसान तो कुछ होगा नहीं, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस देखना है आंसर दे देना है। पूछा क्या है प्रश्न में, बोला है तो मनुष्य के रक्त का रंग, मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा, यानी कौन से कलर का रक्त होगा, बताइए रक्त किस कलर का होता है। सारे बच्चे बोल रहे हैं येलो कलर का। ब्लड किस कलर का होता है, अच्छा अब आ रहे हैं लाल, अरे नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है, रेड तो होता है, ब्लड किस कलर में होता है, रेड होता है ना, लाल कलर का होता है, लेकिन लाल होता है, यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है, कलर क्या होता है, रेड, लाल होता है, तो लाल को ये क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, लाल को क्या बोल रहा है, लाल को पीला कहा जा रहा है, तो क्या होगा आंसर देंगे पीला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं ना, पीला कहा जा रहा है और पीले को ये हरा कह दे रहा है, फिर आ जाते हैं हरे को काला कह दे रहा है, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ना नहीं है, बस देख लेना है लाल को पीला कह रहा है, पीला आंसर दे दीजिए, ठीक है, एलो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, कुछ लोग लाल भी दे रहे हैं आंसर, ठीक है। हाँ बस इसमें कुछ नहीं करना, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ते जाएंगे नारंगी हो जाएगा, तो इसमें नारंगी तक तो पहुंचना नहीं है ना, बस यहीं तक रह जाना है, ठीक है। हाँ लाल को क्या, पीला, मनुष्य के रक्त का रंग लाल, लाल को पीला कह रहे, आंसर होगा पीला, बस अब कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हैं और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 में देखने को मिला है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में 321 का अर्थ है हॉट ब्रांडेड मिल्क है, 653 का अर्थ है नाइस हॉट डे, उसके बाद से बोल रहे हैं 985 का अर्थ है डे एंड नाइट, तो उसी कूट भाषा में नाइस का क्या कूट है, यह बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ बताएं। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि कुछ भी आंसर आ जा रहे हैं। थ्री ऑप्शन, अच्छा थ्री नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर, थ्री फाइव नाइन सिक्स, सारे ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, एक क्वेश्चन के चार आंसर, समझा दे, बताओ, कोशिश करिए एक बार, कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, देखिए नहीं समझ में आ रहा, इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे ही देख के ही आंसर यहीं पे दे सकते थे, ठीक है, देखिए देख के ही दे सकते हैं, या कहिए तो इसको अलग अलग लिख देते हैं, देख के बताएं, देखिए
छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। किसका पूछा है? नाइस, एन आई सी ई। देखेंगे नाइस है कहां, नाइस है यहां पे, देखिएगा नाइस कहां पे है, यहां पे, ठीक है। चलिए अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 321 का अर्थ है हॉट ब्रांडेड मिल्क, यहां पे हॉट डे है, ठीक है, यहां पे हॉट डे है। यहां पे देखेंगे 985 का अर्थ है 985 कहते हैं डे एंड नाइट, ठीक है। अब देखिए हॉट और डे को बस डिफाइन कर लीजिए, हॉट के लिए क्या है, डे के लिए क्या है, कैसे पता करेंगे हॉट के लिए क्या है डे के लिए क्या है। देखिए हॉट ऊपर दिख रहा है ना, इसको अगर इस तरह से ट्रायंगल से प्रदर्शित करिए, इस तरह से हॉट, दोनों में अंक कौन सा कॉमन है, दोनों में देखा जाए तो 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, क्लियर है। अब देखिए डे, डे यहां पे है तो डे को इस प्रकार से आप बना लीजिए, ठीक है, डे फिगर से ऐसे करिएगा। अब इन दोनों में देखना है अंक कौन सा कॉमन है, तो देखा जाएगा तो 5 है, क्या है, 5 है, ये 5 बचा, क्या 6 बचा है, और ये इधर नाइस है, 6 हो जाएगा, क्लियर है। या अलग अलग लिख देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके, ठीक है, 6 आंसर होगा, ऐसे आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो यहां पे लिख दे रहे हैं, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए लिखा है 321 का अर्थ क्या है, हॉट, हॉट ब्रांडेड मिल्क, अच्छा ब्रांडेड MILK मिल्क, ठीक है। अब देखिएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद से है साफ साफ लिख देते हैं 321 लिखा है हॉट, HOT हॉट ब्रांडेड मिल्क, ठीक है, हॉट ब्रांडेड मिल्क, अलग अलग है, एक में मत चिपका लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद से 653 है, 653 इसको लिखा है नाइस हॉट डे, उसके बाद से है 985 इसको लिखा है डे एंड नाइट, अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, साफ साफ एक सामने दिख रहा है, अब देखिए करना क्या है, अब आप लोगों को समझा रहे हैं, आप समझिएगा, पूछा क्या हम लोगों से, पूछ रहे हैं नाइस, ठीक है, नाइस पूछ रहे हैं, नाइस है कहां, नाइस यहां पे सर्कल से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। अब देखिए यानी कि 653 में से ही कोई होगा, ठीक है, इसके लिए। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि 6 का मतलब नाइस, 5 का मतलब हॉट, 3 का मतलब डे, ये ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है, ऐसे आप बिल्कुल भी ना करिएगा। अभी देखिए उसके बाद से आपका देखिएगा, इसमें आप देखेंगे हॉट है, ऊपर वाले में भी हॉट है, कॉमन क्या है, देखिएगा कॉमन क्या है, तो इसको इस तरह से प्रदर्शित कर दे रहे हॉट ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल से प्रदर्शित कर दे रहे हॉट हॉट, तो दोनों में आप देखेंगे कि अंक कौन सा कॉमन है, 3 है तो 3 हो जाएगा, यानी हॉट के लिए क्या होगा, अगर हॉट की बात करें, अगर हम हॉट की बात करें तो हॉट के लिए 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अलग कलर से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा इसी में डे है, इसमें क्या है, डे है, डे दिख रहा है ना, चलिए डे के नीचे हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, डे नीचे वाले में भी दिख रहा है, डे नीचे वाले में दिख रहा है, चलिए ऊपर नीचे दोनों में देखेंगे अंक कॉमन क्या है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी डे के लिए क्या हो जाएगा, डे के लिए क्या हो जाएगा, डे के लिए 5 हो जाएगा, डे के लिए क्या होगा, 5 होगा। अब देखिएगा अब क्या बोल रहा है, नाइस, अब देखिए नाइस के लिए बचा क्या है, 6 बचा हुआ है, देखिएगा क्या बचा हुआ है, नाइस के लिए 6 बचा है, तो नाइस के लिए 6, यानी नाइस के लिए क्या हो जाएगा, 6। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यही तो पूछ रहा है। और भी इसमें कुछ अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें देखा जाए एंड, एंड तो है नहीं, ब्रांडेड मिल्क है एंड, और उसके बाद नाइट है, तो इसमें से अलग अलग है सब, ठीक है, तो दो में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया है, डी आंसर होगा, हाँ हॉट के लिए पूछे 3, डे के लिए 5, नाइस की 6, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे, एसएससी एमटीएस 2022 का यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कूट भाषा में पॉइंट, POINT, पॉइंट को 11
कूटबद्ध किया जाता है और GRANDST को 11 कूटबद्ध किया जाता है। इसी भाषा में हेमंत HEMANT को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा बताए। देखिए यहां पे लिख देते हैं POINT, पॉइंट को लिखा क्या है 11 लिखा है 11, उसके बाद से है GRANDST, GRANDST, इसको क्या लिखा है, इसको भी 11 लिखा है। अच्छा तो पूछ रहा है HEMANT, बताए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। सारे बच्चे आंसर दें, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे। सबका आंसर सही आना चाहिए, बताइए। लॉजिक भी बताना है आपको कैसे होगा, हेमंत को क्या लिखेगा ये बताना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दे, सभी स्टूडेंट दे। बताए कैसे लिखा है, अक्षर को काउंट करेंगे 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 10, 11, लेकिन 2, 2, 4, 6, 7, इसको भी 11 लिखा है। नहीं समझ में आ रहा है, समझना तो पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। नहीं आ रहा है समझ में, 7, 8, 9 कुछ भी। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, ना समझ में आए नंबरिंग करिए, देखिए नंबरिंग करिए, अभी बता रहे। पी कितने नंबर पे आता है, पी 16 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, आई 9 पे, एन आता है 14 पे, टी आता है 20 पे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए जोड़ना है, सारे स्टूडेंट देखिए, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 15 40, 40 20 60, और 60 में दोस्तों क्या करेंगे n m n, ध्यान दीजिए कहीं पे गलत हो रहा है क्या, हाँ 16 9 25 15 40 20 60 और 60 10 70 74 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 74। अच्छा क्या हो रहे 74, देखिएगा 16 9 25 15 25 और 15 40 40 भी 60 10 70 74 74 हो रहा है, और इसको लिखा है 11, 74 को 11 लिखा है। अच्छा तो 74 को 11 तो लिख सकते हैं ना, अगर देखा जाए 7 और 4 को अगर हम आपस में जोड़ दे, 7 4 क्या हो जाएगा 11, ये क्या है प्लस कर दिए हैं, दोनों को क्या किए हैं प्लस किए। अच्छा अगर ऐसे इसको देखा जाए, जी कितने नंबर पे 7 पे, R 18 पे, A 1 पे, N आता है 14 पे, D आता है 4 पे, S आता है 19 पे, T आता है 20 पे, इसे जोड़िए तो, सारे बच्चे एक बार जोड़ेंगे कोशिश करिए, देखिए जोड़ेंगे तो 18 7 क्या हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा और 25 14 1 15 हो जाएगा, 25 15 40, 40 20 60, 60 20 80 3 83 क्या हो रहा है 83 हो रहा है, जोड़ने पे कितना हो रहा है, इन सब को जोड़ रहे हैं तो 83 हुआ, 83 8 3 से मिलके बना है, 8 और 3 को अगर हम प्लस कर दे तो 8 3 क्या हो जाएगा 11, और 11 यहां पे दिया हुआ है। अच्छा ऐसे ही एक बार इसे जोड़िए तो H कितने पे आता है 8 पे आता है, E कितने पे आता है 5 पे, M कितने पे आता है 13 पे, A कितने पे आता है 1 पे, N कितने पे आता है 14 पे, T कितने नंबर पे आता है 20 पे, ठीक है। चलिए यहां पे आप सारे बच्चे जोड़ेंगे, देखिएगा 8 5 13 और 13 में 13 जोड़ देंगे 26 और 26 में 14 जोड़ेंगे 40, क्या हो जाएगा 26 और 14 40, 40 भी 60 एक 61, कितना हो रहा है जोड़ने पे 61 हो रहा है। चलिए 6 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 1 6 1 7, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा यहां पे 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 आ रहा है आप लोगों का, 61 हो रहा है ना जोड़ने पे, तो 61 को आपस में जोड़िए, दो संख्या में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको एक में कन्वर्ट कर लीजिए, 6 प्लस 1 6 प्लस 1 7, बताए समझ में आ गया है।
बताइए, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है या दोबारा समझाए? सभी को समझ में आ गया है या दोबारा समझाए बताइए। देखिए कैसे समझ में आया, बड़े नंबर को छोटे नंबर में कैसे कन्वर्ट किया आपस में जोड़ के, 74 7 4 11, ये 83 8 3 11, ये आपका 61 6 1 7, आंसर हो गया 7, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ऐसे प्रश्न आएगा एग्जाम में आप लोग कर लेंगे कि नहीं ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं? चलिए सॉल्व कर लेंगे। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, देखिए कितने बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं और सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में फैंसी FANCY फैंसी को ACPEH के रूप में लिखा जाता है और ट्रैक्टर TRACTOR को TT लिखा है, TTCEVQV के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में कैरट CARROT को कैसे लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे, सारे बच्चे आंसर दे, हम देख रहे हैं टाइम आप लोगों को दे रहे हैं 15-20 सेकंड का सोचने का, आंसर आना चाहिए और सबका क्या है ना सही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। हाँ और ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया है, MTS में नहीं, ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 में पूछा गया है, ठीक है, SSC CGL 2022 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग दे, SSC CGL 2022 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। CRPF ट्रेडमैन के लिए क्लास SSC मेकर के ऐप पे चल रहा है, ठीक है। हाँ ट्रेडमैन एग्जाम के लिए चलिए, क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे आज की क्लास को लाइक भी कर दीजिए, लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है, तो लाइक करके ज़रूर आप लोग बताइए, ठीक है। हाँ और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, CRPF टेक्निकल और ट्रेडमैन एग्ज़ाम के लिए SSC मेकर ऐप पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलाई जा रही है, शानदार तरीके से। गुरुजी रीजनिंग बेसिक से क्लास, बेसिक से क्लास ऐप पे चला हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग का एकदम बेसिक से 0 लेवल से ऐप पे पढ़ाए हुए हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, देखिए समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, FANCY, ठीक है, FANCY को लिखा क्या है, ACPEH, ठीक है। देखिएगा थोड़े से समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रैक्टर, TRACTOR, इसको लिखा है TTCEVQV, ठीक है। अच्छा उसके बाद से पूछ रहे हैं कैरेट CARROT क्या होगा, यही तो बोल रहा है। देखिए थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाए ना तो समझ में आने लगेगा, बता दे समझा दे। सर कोर्स कैसे जुड़ना है, परचेज करना, देखिए SSC मेकर के कस्टमर केयर से आप लोग बात कर लीजिए, अगर समस्या कोई आ रही तो ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे आप पेड कोर्स में जाएंगे तो वहां पे आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगी, कम फी में बेहतर क्लासेस मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न में थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए, F को देखेंगे A लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है, A को देखेंगे C लिखा है, मतलब B छोड़ के C, N को P लिखा है, N के बाद O छोड़ के P लिख दिया, अच्छा C के बाद D छोड़ के E, समझ में आ रहा है, Y को H, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए तो आपको पूरा का पूरा समझ में आने लगेगा। अगर देखा जाए F के बाद GH, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा सारे बच्चे ये कैसे किया है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए यहां पे ना आप क्या करिए, Y
देखिएगा, वाई को आप यहां लाइएगा, ठीक है, और एफ को आप इधर ले जाइए। कहने का मतलब है सब में क्या करना है, प्लस टू करना है। एफ देखिएगा, एफ कितने पे आता है, F6 पे, दो जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8, 8 का मतलब क्या हो जाएगा, H, यानी प्लस 2 करना है, क्या करना है, प्लस 2, ठीक है, Y, Y में प्लस 2 करेंगे, Y के बाद एक जोड़ेंगे Z, उसके बाद जोड़ेंगे तो हो जाएगा A, A हो गया, समझ में आया, देखिए A इधर, H इधर, A में दो जोड़िएगा, A में प्लस 2 करेंगे तो B छोड़ के C, यानी कि 3 हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर देखिएगा N में दो जोड़ेंगे, N में दो जोड़ेंगे 16, यानी कि P हो जाएगा, C में दो जोड़ेंगे 5, मतलब E हो जाएगा, तो A C P E H, A C E P H आपको दिख रहा होगा, कैसे हो रहा है, क्लियर हो रहा है, देखिएगा कैसे ये घुमा हुआ है, प्लस 2 हुआ है, पहले को आखिरी में ले गया, आखिरी को पहले के स्थान पे, और जियो कत्यो, क्लियर है, अच्छा, तो अगर ऐसे ही किया है तो इसको हम लोग अगर ऐसे बात करें, ऐसे घुमा दे, ठीक है, तो टी, टी का क्या होगा, टी के बाद यू छोड़ के वी हो जाएगा, आर का यस छोड़ के टी हो जाएगा, तो देख रहे हैं टी और वी से स्टार्ट है, अच्छा, आर के बाद एस छोड़ के टी, ए के बाद वी छोड़ के सी, सी के बाद डी छोड़ के ई, ठीक है, टी के बाद टी, यू छोड़ के वी, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू, ठीक है, देखिए टी टी सी ई वी क्यू वी, क्लियर है, बताए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन समझना पड़ेगा, ये क्या लॉजिक लग रहा है, समझना पड़ेगा, सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ही बताइए सारे बच्चे इसका, टी को इधर ला देंगे, सी को इधर ले चलेंगे, चलिए टी के बाद से टी यू छोड़ के वी, क्या हो जाएगा वी, उसके बाद देखिएगा सी को डी छोड़ के ई हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या करेंगे, बी छोड़ के सी, आर का एस छोड़ के टी, आर का एस छोड़ के टी, मतलब प्लस टू करना है, ओ का पी छोड़ के क्यू हो जाएगा, यानी वी सी टी टी क्यू ई, वी सी टी टी क्यू ई, ऑप्शन नंबर डी, बताएं ये कैसा रहा क्वेश्चन, क्लियर है या दोबारा समझाएं, बताइए सारे बच्चे एक साथ बताएं तो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं ये बताइए, समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छे, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गया, हाँ गर्दा क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीपीएसई 2022 का है, एक निश्चित कूट भाषा में माउंटेन एम ओ यू एन टी ए आई एन को एम एन आई ए टी एन यू ओ लिखा जाता है, और सेंटेंस एस ई एन टी ई एन सी ई को एस ई सी एन ई टी एन ई लिखा जाता है, उस भाषा में वर्ड बी आई आर टी एच डी ए वाई को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ रहे, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, हाँ क्या उल्टा ट्रिक ला था उसमें, उल्टा ट्रिक नहीं है, देखिए क्वेश्चन ना है ना अब थोड़ा सा अलग लेवल के आ रहे हैं, और हम आप लोगों को देखिए जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है ना सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में जाए तो आपको कुछ ऐसा ना लगे कि ये कभी पढ़े ही नहीं है, ऐसा लॉजिक ही नहीं पता है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा देंगे, बस आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना पढ़ाया जा रहा है इसका आप लोग रिविजन करते रहिए, ऐप से इस क्लास की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिए, बताइए सारे बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें भी कुछ वैसे ही लॉजिक लगेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, समझ के बताना है कैसे होगा, ए होगा, सी होगा, डी, बी, सा, सारे ऑप्शन बोल दो, एबीसीडी बोल दो, एबीसीडी में से सर कोई एक होगा, देखिए एम ओ यू एन
MONTAIN इसको लिखा क्या है MN देखिएगा लिखा क्या है थोड़े से समझिएगा नीचे लिख रहे हैं इसको इसको लिखा है यहां पे लिख रहे हैं देखिए नीचे लिख रहे हैं इसको लिखा क्या है MNMNIATNUO क्लियर है समझ में आ रहे हो क्या रहे या नहीं आ रहा है फर्स्ट को वही रखना है पीछे से स्टार्ट करना है वेरी गुड बहुत अच्छे देखिए लॉजिक इसमें क्या लगा है यहां पे देखिएगा M को M ही रहने दीजिए बाकी को क्या करना है N से स्टार्ट करना है O तक देखिए M अपने जगह पे है बाकी स्टार्ट हुआ है क्या N I A T N O U N देखिए N I A T फिर N फिर U फिर O क्लियर है एरो को ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा समझ में आ जाएगा समझ में आया अच्छा सेंटेंस में अगर बात करें हम सेंटेंस वाले को देखें तो क्या लिखा है सेंटेंस वाले में SENTENCE ठीक है चलिए इसको लिखा क्या है SESECNE उसके बाद TNE है ठीक है चलिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा देखिए S को पहले ही स्थान पे रखा है बाकी क्या किया है EC से स्टार्ट किया देखिएगा ECN तो देखेंगे S अपने जगह पे ECNETNE देखिए E C फिर उसके बाद से N फिर E फिर T फिर N फिर E क्लियर है समझ में आया तो ऐसे ही बताइए वर्ड डे के लिए क्या होगा बी आई आर टी एच डी ए वाई तो इसमें क्या करेंगे बी को अपने स्थान पर रहने देंगे बाकी क्या करना है उल्टा लिख देना है मतलब वाई उसके बाद होगा ए फिर उसके बाद से होगा डी फिर एच फिर टी फिर आर फिर आई ठीक है यानी कि ऐसे क्लियर है समझ में आया तो BYAD ऐसा देखिए तो किसी में दिख रहा है BYADHTRI ऑप्शन नंबर ए क्लियर है लॉजिक क्लियर है कैसे हो रहा है हाँ ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ऐसा हुआ है समझ में आ गया बताइए सारे बच्चे अभी और क्वेश्चन है भागना नहीं है कुछ बच्चे भाग रहे हैं क्वेश्चन अभी और है ये चीज क्लियर है ना लॉजिक क्लियर है सभी को तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक निश्चित कूट भाषा में टीचर टीई ए सी एच ई आर को एई टी सी आर ई एच और स्टूडेंट एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट को यू टी एस डी टी एन ई लिखा जाता है उसी भाषा में क्लासेस सी एल ए डबल एस ई एस को कैसे लिखा जाएगा यह पूछ रहा है बताए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए देखिए सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है अलग अलग लॉजिक पे क्वेश्चन है समझना है पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस रहेगी और समझे रहेंगे तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं समझे रहेंगे तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को समझना है सर कितना क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और है बायो क्वेश्चन है ठीक है चलिए बता दे रहे हैं ना तो पढ़िए अच्छे से समझिए भागना नहीं है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे बच्चे एक साथ बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे भाग रहे हैं भागना नहीं है जैसे क्लास स्कूल में छुट्टी होता था 4 बजे करीब बचपन में तुरंत निकल लिए भले बोर्ड पे का पढ़ाया हुआ छपा या नहीं छपा पहले निकल लिए तो ऐसा नहीं करना है बचपन अब नहीं रह गया है कि भाग रहे हैं यहाँ पे कहाँ भाग के जाना है 5 मिनट और पढ़ लो 10 मिनट और पढ़ लियो समझ में आएगा ना कुछ क्वेश्चन कुछ लॉजिक क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है इसमें बताएं लॉजिक बताएं थोड़ा न्यू लॉजिक है अच्छा देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको क्या करना है ना
समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को. देखिए क्या लिखा हुआ है, टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, टी ई ए सी एच ई आर लिखा क्या है, ए ई टी, उसके बाद से सी है, उसके बाद से आर ई एच है, ठीक है. हाँ, इसको ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ये लिखा हुआ है. आगे देखिएगा, उसके बाद से है स्टूडेंट, एस एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट को क्या लिखा है, यू टी एस यू टी एस यू टी एस डी टी एन ई डी टी एन ई. देख रहे हैं जो अक्षर है ना, वही सेम अक्षर इसमें भी कर रहा है, बस स्थान का परिवर्तन कर रहा है. क्लासेज क्या है, क्लासेज देखिएगा, क्लासेज सी एल ए डबल एस ई एस, यही है ना. अब देखिए क्लासेज को क्या लिखेगा ये पूछ रहा है. देखिए कैसे लिखा हुआ है समझिएगा, यहां पे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाए तो आपको दिख रहा होगा, ए को यहां ला दिया है, टी को यहां लेते गया है, ई को यहां पे, और सी को अपने जगह पे ही रहने दिया है, एच को लास्ट में ले गया है, आर को यहां पे लाया है और ई को बीच में रखा है. यानी तीन को बोले सिंपल भाषा में पलट दिया है, बीच वाले को जगह पे, फिर तीन को पलट दिया है. अच्छा, ऐसे अगर देखें तो ये पलट गया, टी अपने जगह पे है, एस पलट गया, यानी एस टी यू को यू टी एस लिख दिया, डी को डी को क्या रखा है, डी ही रहने दिया है, फिर ई एन टी को टी एन ई कर दिया, मतलब क्या किया है, पलट दिया है. यही तो हो रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है, तीन को पलटा है, बीच वाले को ज्यो का त्यो, फिर तीन को पलट दिया. वही चीज इसके साथ करना है, तीन को अगर हम पलट दे, तीन को हम पलट दे, सी एल ए है तो ए एल सी हो जाएगा, ये एस है ना, एस को अपने जगह पे, एस ई एस है ना, तो फिर इसको करेंगे एस ई एस, पलटेगा तो वही तो होगा. आप देखिए ऐसे करिए, करेंगे तो आपको अभी दिखने लगेगा, दिख रहा है कि नहीं, वही हो रहा है ना, ए एल सी डबल एस ई एस, ए एल सी डबल एस ए एल सी डबल एस ई एस, ऑप्शन नंबर ए, हाँ है, सी आ रहा है, ए एल सी डबल एस ई एस, ए एल सी एस ई डबल एस, कहां से गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी ला रहे हो, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए एल सी ए एल सी डबल एस ई एस, ऑप्शन नंबर ए होगा, सी वाले मार खाएंगे और कुछ नहीं, बताइए क्लियर है. हाँ, ए एल सी डबल एस ई एस, ए एल सी डबल एस ई एस, ऑप्शन नंबर ए, बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का, एक बार और बताइए, सारे बच्चे बताए एक साथ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का, सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले, अगले क्वेश्चन के तरफ, लॉजिक क्लियर है ना कैसे हुआ है, याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं. अगला क्वेश्चन फेंकिए सर, तो लो अगला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2022 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे. चलिए क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पर, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे आंसर देंगे. क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में एनुअल ए डबल एन यू ए एल को सी पी आर वाई जी आर और अमाउंट ए एम ओ यू एन टी को सी ओ एस वाई टी जेड लिखा जाता है, उसी भाषा में एजेंडा ए जी ई एन डी ए को कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर आप सभी बच्चों को देना है. चलिए इसका आंसर आप लोग बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है. चलिए ना यहां पे हम लिख देते हैं ए डबल एन यू ए एल, लिखा क्या है सी वाई पी आर, सी वाई पी आर सी सॉरी सी पी आर वाई सी पी आर वाई जी आर जी आर, ठीक है. आगे देखेंगे, आगे अगर आप देखेंगे तो फिर है अमाउंट ए एम
ओ यू एन टी, इसको क्या लिखा है देखिएगा, यहां पे इसको ये लिखा है, अमाउंट को लिखा है सी ओ एस वाई टी जेड, सी ओ एस वाई टी जेड। पूछ रहा है एजेंडा, क्या है एजेंडा, ये रहा, यहां पे लिख देते हैं ए जी ई एन डी ए, सिंपल है, आसान है, इसका आंसर दे और बताए क्या लिखा है, कैसे लिखा है, सारे बच्चे एक साथ बताए। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 का, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग दे तो हम देखें कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आंसर सही आना चाहिए, गलत नहीं, ठीक है। हाँ बताइए, सभी बच्चे एक साथ बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ बताइए। और समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे लाइक जरूर करिए, घर में छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें भी बोलिए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े, सिलेक्शन ले। माया कुशमला, हाँ अच्छा, माया कुशमा हाँ लिखा है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। सपना मुर्मू बहुत अच्छे, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं। मृदिका चलिए, गोलू बहुत अच्छे आंसर, कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं, बाकी क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। विकास साकेत बहुत अच्छे, सर आप ही कर दो, मेरा कमेंट लिख रहा है, हाँ सर कमेंट लिख रहा है। देखिए कुछ बच्चे हैं ना जो क्लास के पहले कुछ कुछ बदमाशी करते हैं, इधर उधर बातें करते हैं और गलत बातें करते हैं, तो स्टूडेंट ब्लॉक भी किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बदमाशी वाले बातें नहीं करने, पढ़ाई लिखाई संबंधित बातें करनी है करिएगा, कुछ गलत बातें होंगी तो एसएससी मेकर की टीम बहुत सख्त है, तुरंत नंबर आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा आईडी, फिर उस आईडी से आप कमेंट करोगे, आपको तो दिखेगा पर दूसरे को नहीं दिखेगा, ठीक है। आप परेशान हो जाओगे कि दिख क्यों नहीं रहा है, आप कितना कुछ बोलोगे सिर्फ आप ही को दिखेगा, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना आप लोगों को, चलिए समझाते हैं। इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ए को सी लिखा है मतलब दो जोड़ा है, एन को एम एन ओ, ध्यान दीजिएगा देखिएगा, एम एन ओ छोड़ के पी, ठीक है अच्छा, एन ओ पी क्यू आर, अच्छा देखिए थोड़े से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करेंगे अभी क्लियर हो गया। ए एक नंबर पे, एन चौदह पे, एन चौदह पे और टी यू यानी कि 21 पे, ए एक पे, एल 12 पे, यहां पे देखिएगा तीन है और ये पी 16 पे हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा, वाई 25 हो जाएगा, जी 7 हो जाएगा, आर 18 होगा। देखिए एक से तीन हुआ है मतलब प्लस टू हुआ है, 14 से 16 हुआ है प्लस टू हुआ है, उसके बाद से 14 से 18 हुआ है प्लस फोर हुआ है, देखिएगा यहां पे 21 से 25 हुआ है प्लस फोर हुआ है, एक से सात हुआ है प्लस छ हुआ है, 12 से 18 हुआ है प्लस छ हुआ है, चल क्या रहा है प्लस टू प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस सिक्स, अच्छा यहां पर बार देखिएगा यहां पे नंबरिंग करेंगे, एक तेरह देखिएगा, एक तेरह उसके बाद से हो जाएगा पंद्रह इक्कीस चौदह और बीस, यहां पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा तीन पंद्रह उन्नीस उसके बाद से पच्चीस बीस उसके बाद 26, तो देखा जाए तो इधर क्या हुआ है प्लस टू, फिर उसके बाद से 13 दो 15 प्लस टू, फिर 15 चार 19 प्लस चार हो रहा है, 21 चार 25 है प्लस चार यहां पे भी हुआ है, 14 से 20 हो गया प्लस 6 हुआ है, और 20 से 26 हो गया प्लस 6 हो रहा है, यानी प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स ऐसे बढ़ रहे हैं दो दो बार बढ़ रहे हैं ना। चलिए तो यहां पर भी वही चीज करेंगे हम लोग, देखिए एक जोड़िए नंबरिंग करिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक सात पांच उसके बाद से आपका होगा कितना, एन है 14 है, डी 4 और ए 1, ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे आप, प्लस टू करेंगे, इसमें प्लस टू करेंगे, फिर प्लस फोर करेंगे, इसमें भी प्लस फोर करेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे प्लस सिक्स, उसके बाद करेंगे प्लस सिक्स, तो एक में दो जोड़ेंगे तो ये तीन हो जाएगा, सात में दो जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा, पांच चार नौ हो जाएगा, चौदह चार क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, चार और मिलके 10 हो जाएगा, एक छह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 3 का मतलब सी होगा, 9 का मतलब आई होगा, यहां पे 9 का मतलब आई, आर का मतलब 18, जे मतलब 10, 10 का मतलब जे और 7 का मतलब जी, तो सी आई आई आर जे जी, सी आई आई आर जे जी। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक आपको बता देते हैं। देखिए प्लस टू प्लस टू उसके बाद प्लस फोर फिर प्लस फोर, यहां पे नहीं हो रहा है,
अच्छा देखिए ऐसे चला है, +2 +2 +4 +4 +6 +6, ये लॉजिक इसमें चला है, ठीक है। बस दो बार प्लस टू, दो बार प्लस फोर, दो बार प्लस सिक्स, बस आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बताइए तो क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? आ गया है तो यस से कमेंट करिए, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे। बताइए एक साथ कमेंट करके आप लोग बताएं समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छे, कुछ बच्चे लॉजिक भी लिख रहे थे, अच्छी बात है। चलिए जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं और जिनका भी ऐसे आया है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, सारे बच्चे समझ गए हैं, अच्छी बात है। चलिए सीआरपीएफ के लिए, सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम के लिए एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चली हुई है, ऐप को डाउनलोड करिए, आप देखिए ना वहां पे हर एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है, एकदम बेसिक से चल रही है, जीरो लेवल चल रही है और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। चलिए जल्दी से बताइए क्लास कैसा लगा है, एक बार कॉमेंट करके क्लास अच्छा लगा है जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करिए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और 10-12 क्वेश्चन कराए हैं आज, 12 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। और आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, एसएससी सीजीएल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जा रहा है संकल्प बैच, एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए संकल्प बैच चल रहा है, 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रहा है। इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेज एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना वीक है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, संकल्प बैच से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। हाँ, इस बैच में आपकी मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस की, सभी की क्लासेस बेसिक से चल रही है, एकदम बेसिक से, ठीक है। हाँ, बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बैच की जो फी है वो है मात्र ₹500, और जो पुराने स्टूडेंट है जो किसी कोर्स में ऑलरेडी इनरोल है तो कूपन कोड लगाएंगे CGL40, इस पे क्या होगा आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये 500 की जगह आपकी फी हो जाएगी मात्र ₹300, और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है, तो सारे बच्चे जरूर जुड़ जाएंगे जो नहीं जुड़े हैं। हाँ, और अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताएंगे। और भी आपके जो एग्जाम है जैसे सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम है, इसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है 100% सिलेक्शन के लिए, और इस बैच की जो फी है वह है मात्र ₹250, ठीक है। पूरी कोर्स की फी है और सारी क्लासेस एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए चल रही है, इसलिए सारे बच्चे अच्छे से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को आप लोग सुनिश्चित करिए। कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड क्वेरी है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास बहुत ही अच्छा लगा है, सारे स्टूडेंट बता रहे हैं 10 क्वेश्चन किए हैं, 11 किए हैं, कोई 12 में 12 किया है, कोई 8 किया है। देखिए अगर 10 से नीचे जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीक है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए, सीखिए। हां, क्वेश्चन की इस क्लास की पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप से क्या करिएगा ना आप लोग, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सारे बच्चे ऐप से डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को, जितनी भी क्लासेस चलती है सारी क्लासेस की पीडीएफ ऐप पे मौजूद है, ठीक है। हाँ, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट डे क्लास होगी, कल 8 बजे मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। कल हो सकेगा तो हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे अच्छे से जुड़े, पढ़े, मन लगा के तैयारी करें, ठीक है। हाँ, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े, सिलेक्शन ले, ठीक है। क्लास को शेयर सारे बच्चे जरूर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पे चाहे वहां पे। और इंस्टाग्राम से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके वहां पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, बाकी आपकी नेक्स्ट डे क्लास होगी, ठीक है। चलिए तो सारे बच्चे आज की क्लास को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर लक्ष्य हो निश्चित तो तकदीर बदल जाती है, और मिल जाए सरकारी नौकरी तो जिंदगी संवर जाती है। आपके सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं को एक ओर करते हुए हम ले चलेंगे आपको सफलता के द्वार। तो CRPF में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइन करें SSC मेकर का CRPF स्पेशल बैच, जिसमें आपको अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से सभी क्लासेस एकदम बेसिक से दी जाएंगी। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए SSC मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें।